जो न्याय है वो हो। थाना थाना प्रभारी चलाएगा, डीओ चलाएगा, कोई गुंडा कोई पत्रकार कोई नेता थाना नहीं चलाएगा। मैं लड़का का बिना फतूर करार मेरी जेल भेज दिया गया। बताओ हम कहाँ से लड़की चलाने, कहाँ से हम इसको करेंगे, कहाँ से पेट खाएंगे। रायबरेली के गदागंज थाना क्षेत्र में व्यापारियों और ग्रामीणों ने थाना घेर कर जमकर हंगामा किया है। इस दौरान पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए व्यापारियों और ग्रामीणों ने थाने में पुलिस के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। बताया जा रहा है कि लूट की सूचना देने वाले को ही पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। पुलिस के इस कारनामे से नाराज व्यापारियों ने गुरुवार को अपनी दुकानें बंद कर दी और ग्रामीणों के साथ मिलकर थाने का घेराव किया। इस दौरान गांव के बुजुर्ग महिला समेत बच्चे भी थाने पर पहुंचे और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें कि यह मामला रायबरेली जिले के गदागंज कस्बे का है, जहां बीते 20 अगस्त को अज्ञात लुटेरों ने जन सुविधा केंद्र के संचालक से 8 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में गदागंज थाने की पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके माल बरामदगी का दावा किया था। वही पुलिस ने इस दावे पर सवाल खड़ा करते हुए ग्रामीणों ने पुलिस पर गलत गिरफ्तारी का आरोप लगाया है। गांव के प्रधान प्रतिनिधि राजू सिंह ने बताया कि पुलिस ने जिन्हें गिरफ्तार किया है वो गांव के दीपू, गौरव और एक अन्य है। दीपू और गौरव आरओ फिल्टर वाटर बेचने का काम करते हैं। घटना के दिन दीपू और गौरव को रास्ते में पैसों से भरा बैग मिला था, जिसकी सूचना दीपू ने ग्राम प्रधान को दी थी। इसके बाद ग्राम प्रधान ने इस मामले की जानकारी थाना अध्यक्ष गदागंज को दी। युवक को थाने बुलाकर रुपयों से भरे बैग को सौंपने को कहा था। उस समय पुलिस ने बैग लेकर युवकों को तो छोड़ दिया, लेकिन 2 दिन बाद उन्हें वापस थाने बुलाकर गिरफ्तारी दिखाते हुए लूट के आरोप में जेल भेज दिया गया है। ये 20 तारीख को एक लूट की घटना हुई है। जो हमारे गांव के दीपू, 2 बच्चे आ रहे थे पानी आरओ को लेने, ये रास्ते में बैग पाए, उसके पीछे एक लड़का और आ गया, तीनों लोग देखे, उसकी सूचना इन्होंने हमको दिया। मैंने एसओ साहब को संज्ञान में डाला। एसओ साहब ने कहा कि ठीक है, वो बच्चे पाए हैं, वो निर्दोष हैं, अगर निर्दोष ना होते तो आपसे बताते नहीं, उनको ले आइए तो हमारे सुपुर्द करा दीजिए, मैं उनको निर्दोष साबित करूंगा। ये लिए वो निर्दोष है, अगर निर्दोष ना होते तो आप ना आपसे बताते ना हम तक पहुँचते जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उस दिन तो छोड़ दिए, दूसरे दिन बुला के उनको 2 दिन बैठाए रखे, तीसरे दिन उनको जेल भेज। किस मामले में भेज दिया जेल? उस चोरी के मामले में, पैसे सुपुर्दगी दिखा के उनको बैग अन्य जगह से दूसरी जगह पे दिखा के कि दूसरी जगह से मैंने उनको पकड़ा है, चेकिंग के दौरान उनको जेल भेज दिया। कितना रुपया था बैग में? 7 लाख रुपए। लूट कितने की हुई थी लगभग? लूट तो 8 लाख की दिखा रहे थे। अच्छा, क्या दूसरा आरोपी भी कुछ बताया गया कि क्या है क्या नहीं? दूसरा आरोपी भी लाया गया, उसको रात में छोड़ दिया गया, उससे क्या पूछताछ की गई? अब ये तो ये लोग एक मोटरसाइकिल भी मोटरसाइकिल आज तक बरामदगी नहीं हो। अच्छा, मोटरसाइकिल की बरामदगी नहीं हुई, ये सब दुकान दोषी बना के भेज इसी युवक के उसमें जो है दुकानें सब बंद हैं। हाँ, इसी युवक के उसमें पूरा व्यापार मंडल बंद है, पूरी मेरी ग्राम सभा आई हुई है, पूरे हमारे 10-20 प्रधान भी आए हुए हैं। क्या बात हुई थानेदार साहब से, क्या काम उन्होंने? थानेदार साहब ने कहा कि मेरी जाँच प्रक्रिया चालू है, हमको ये दोषी समझ में आया है, इसलिए मैंने इसको न्याय नहीं मिला तो क्या करेंगे? न्याय मिलना चाहिए ना, ये न्याय नहीं अन्याय हुआ है ना। और पहली बात तो मेरे साथ भी विश्वासघात हुआ, इन्होंने कहा कि मैं इसको निर्दोष है, ये निर्दोष साबित करूंगा, ये मेरे भी साथ तो विश्वासघात किए हैं। मिलाकर के यानी पुलिस मित्र जो होती है उस पर पूरी तरीके दाग लगाए। वही पुलिस के इस रवैये से नाराज ग्रामीणों और व्यापारियों ने थाने का गुरुवार को घेराव किया। कस्बे के सभी दुकानदारों ने इस मामले के विरोध में अपनी दुकानें बंद कर दी और पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हो गए। इस दौरान थाने में दीपू की मां और बहन जब थाना अध्यक्ष से गुहार लगाने थाने के अंदर गईं, तो पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी भी की। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से कोई भी ठोस जवाब नहीं आ रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि रायबरेली पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठना लाजमी है। ग्रामीण और व्यापारी इस मामले में निष्पक्ष जाँच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और वहीं थाने पर बैठ कर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। हमारे बेटों को गलती से जेल भेज दिया है। क्या नाम है आपका? सुनीता। आप लड़के क्या नाम है? दीपू गौरव। क्या घटना क्या हुई थी? घटना ये हुई थी, यहाँ पे रोड पे कोई भी लूट किया रहा, हमारे बच्चे ने आया पानी लेने,
पानी लेने आया तो वहाँ पे एक बैग पड़ा था, एक लड़का और आया था पाछे से, उसने कहा था कि इसमें देखो कुछ भी है, वो तुम्हारा बैग पड़ा हुआ। तो हमारे लड़के कहे हमारा नहीं है, तो कहे नहीं उसको देखो, तो कहीं कि जो नहीं हम ना देखेंगे हमारा डर भी लगता है, कहीं नहीं देखो वहाँ कुछ आए। तो उसने नहीं वाभा, लेकिन फिर भी नहीं माना, उस भी हाथ लगाया तो उस भी वह कया सबको वह कर दिया गया हमारे बच्चों को। बैग में क्या था? उस, बैग को क्या मिला? उसमें पैसा था, थाने में प्रधान के नालिज में किया और उसने ले जाके थाने में जमा किया। बैग आपके बच्चे ने लाके थाने में दिया था कि पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया था? नहीं नहीं, बैग बच्चे ने प्रधान ग्राम प्रधान के पास लेके आए थे यहाँ पे जमा करने। लड़के बाबू जेल भेज दिया गया है? हाँ, लड़के का मार बिना कसूर का नहीं, मैं लड़का का बिना कसूर का मेरी जेल भेज दिया गया। बताओ हम कहाँ से, लड़की सयाने कहाँ से, हम इसको करेंगे कहाँ से, पेड़